तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं फैंटेसी स्पोर्ट्स स्पाई यूट्यूब चैनल और मैं हूं गौरव। और दोस्तों आज हम जो ISL का मैच कवर करने वाले चैनल में वो रहेगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC वर्सेस जमशेदपुर FC के बीच इस मुकाबले का करते हैं डिटेल एनालिसिस। इसके बाद दोस्तों यहां पे जो रात को दो मैचेस है इनकी भी टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से। लगभग सभी मैचेस हमारे टेलीग्राम चैनल में कवर होते हैं और दोस्तों आपको विनिंग्स पता ही है, जो हमारे टेलीग्राम से जुड़े हैं लगभग उनकी रेगुलर विनिंग्स हो रही है। और यहाँ पे इस मैच की भी दोस्तों 5 से 6 ग्रैंड लीग की टीम और 2 फाइनल स्मॉल लीग की टीम आपको हमारे टेलीग्राम में मिलेगी। लगभग मोस्टली मैचेस की मैं ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों की टीम्स देता हूँ, तो जरूर जुड़िए टेलीग्राम चैनल के साथ, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों यह है टेलीग्राम चैनल, ये देखिए लगभग सभी मैचेस में हमारी अच्छी विनिंग्स हो रही है। ये देखिए ऐसे ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की अलग अलग टीम्स आपको यहाँ पे टेलीग्राम में मिलती है, तो दोस्तों जरूर जुड़ जाइए इस चैनल के साथ, धीरे धीरे बंदे भी यहाँ पे बढ़ रहे हैं। अब चलते हैं दोस्तों इस मैच का, ISL मैच का करते हैं डिटेल एनालिसिस। तो दोस्तों बात करें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC और जमशेदपुर FC, दो वन ऑफ द बेस्ट टीम मैं कहूंगा ISL की, और दोनों ही बेहतरीन परफॉर्मेंस इस सीजन कर रही है। पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए दोस्तों जमशेदपुर जहाँ थर्ड पोजीशन में, तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे 5th पोजीशन में, और ज़्यादा फर्क नहीं है। जमशेदपुर के 10 पॉइंट है और नॉर्थ ईस्ट के 9 पॉइंट है। बाकी गोल्स और गोल्स ईट जो इन दोनों ने किया है वो भी बराबर है। बाकी लेकिन एक फर्क है दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट ने 5 में से 2 मैच जीते और 3 ड्रॉ खेले, एक भी नहीं हारा है। लेकिन जमशेदपुर ने 3 जीते हैं, 1 ड्रॉ खेला और वही 1 हारा है। अब दोस्तों जमशेदपुर का होम मैच है, तो थोड़ा होम एडवांटेज जमशेदपुर के पास होगा। तो यहाँ पे देखिए लास्ट 4 मैचेस के रिजल्ट पहले नॉर्थ ईस्ट के देखते हैं। उड़ीसा से 2-1 को इन्होंने हराया था उड़ीसा FC को, फिर 2-2 ड्रॉ FC गोवा से खेला, 1-0 से हैदराबाद को रहा, पिछले मैच में भी 2-2 ड्रॉ मुंबई सिटी FC से खेला। इससे ये पता चलता है लगातार मतलब 4 मैचेस में गोल मार रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जमशेदपुर के लास्ट 4 मैचेस 3-1 से हैदराबाद को इन्होंने भी हराया था, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 0-0 ड्रॉ इन्होंने बेंगलुरु FC से खेला है, और दोस्तों उसके बाद 3-1 से ये एटलेटिको कोलकाता से हारते, लेकिन पिछले मैच में FC गोवा जैसी बड़ी टीम को उनके घर में जाके 1-0 से हरा के आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इनका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होने वाला है। अब दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच जो पिछले 4 मुकाबले हुए हैं पिछले सीजन्स की बात करें, तो जिसमें 3 रहे हैं ड्रॉ और 1 जमशेदपुर FC जीती है। लेकिन दोस्तों इस सीजन नॉर्थ ईस्ट के पास SMO और जियान जैसा प्लेयर है जो कि अपने दम पे कोई भी मैच पलट सकता है। अब नॉर्थ ईस्ट की प्रोबेबल लाइनअप पहले देख लेते हैं। यहाँ पे शुभाशीष राय इनके गोलकीपर होंगे और अच्छे गोलकीपर हैं। अब यहाँ पे 4 इनके डिफेंडर्स खेलते हैं, कर्मोस्की खेलते हैं, वैनवेज खेलते हैं, राकेश प्रधान और रीगन सिंह, मिलान सिंह और जोसे लुइडो इनके होल्डिंग मिडफील्ड में खेलते हैं, और दोस्तों दोनों बहुत ज़्यादा पासेस बनाएंगे। अब यहाँ से इनके मेन चीज़ें शुरू होती है दोस्तों, ये देखिए ट्रिएडिस और शावेस इनके विंग्स में खेलते हैं, रिडीम टलांग अटैकिंग मिडफील्ड में खेलते हैं, और SMO जियान स्टार स्ट्राइकर है, सबसे ज़्यादा गोल है। तो दोस्तों ये चारों ही प्लेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रिडीम टलांग और SMO जियान बहुत बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। बाकी दोस्तों बात करूँ ट्रिएडिस की, पिछले मैच में बहुत लॉन्ग रेंज से एक बहुत बेहतरीन गोल मारा था इन्होंने, और क्या मस्ट वॉच गोल था वो। बाकी शावेस भी अच्छे प्लेयर हैं, तो दोस्तों ये चारों इनके इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। अब जमशेदपुर FC का देखते हैं, सुब्रतो पाल इनके गोलकीपर हैं, 4 इनके डिफेंडर्स में यहाँ पे रॉबिन गुरुंग खेलेंगे, मीमो खेलेंगे, टीरी खेलेंगे और नरेंद्र गहलोत खेलेंगे। अब जितेंद्र सिंह और राइटर मोनरॉय होल्डिंग मिडफील्ड में खेलेंगे। अब दोस्तों नोय अकोस्टा और आइसेक खेलेंगे विंग्स में, और नोय अकोस्टा बहुत बढ़िया स्पेनिश प्लेयर हैं, फारूक चौधरी इंडियन स्ट्राइकर हैं और बहुत बढ़िया फॉर्म में इस सीजन चल रहे हैं, और इनके मेन प्लेयर है सर्जी कास्टल जो इनके स्टार स्ट्राइकर भी है, सबसे ज़्यादा गोल इन्हीं के और पेनाल्टी टेकर भी है। तो दोस्तों यहाँ पे इस मैच में बैटल होगी सर्जी कास्टल वर्सेस SMO जियान की, दोनों टीम्स के स्टार स्ट्राइकर की, और यही दोनों कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के भी मेन चॉइस रहने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ टॉप गोल स्कोरर, इससे आपको पता चल जाएगा स्टैट्स दोनों टीम के। अभी तक नॉर्थ ईस्ट से जो 7 गोल पड़े उसमें 3 SMO जियान के, 2 रिडीम टिलांग के, 1 ट्रेडिस और 1 बरेरो का है। असिस्ट में भी 2 शावेस के असिस्ट है, लाल थंगा का 1 असिस्ट है, ट्रेडिस और प्रधान का 1-1 असिस्ट है। अब यहाँ देखिए जमशेदपुर से 4 गोल सर्जियो कास्टल के, 1 फारूक चौधरी का, 1 अनिकेत यादव का और 1 ओन गोल था। फारूक चौधरी के 2 असिस्ट भी है, PT और मेमो का 1-1 असिस्ट है। तो दोस्तों आपको स्टैट्स पता चल गए होंगे, SMO ज्ञान जब नॉर्थ ईस्ट के टॉप स्कोरर है, सर्जी कास्टल जमशेदपुर के टॉप स्कोरर है, बाकी रिडीम टिलांग यहाँ से बढ़िया है, फारूक चौधरी है। तो दोस्तों ये कुछ मेन प्लेयर्स हैं। अब यहाँ पे एक बार मैं फिर दिखाता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर दोनों टीम से, नॉर्थ ईस्ट से जियान है, तिलांग है, ट्रेडिस है और शावेस है, जमशेदपुर से सर्जियो कास्टल है, एकोस्टा है, फारूक चौधरी और आइसक है। अब दोस्तों जमशेदपुर को एक बहुत बड़े स्टार प्लेयर की कमी खली है, उनका नाम है PT जो कि आज इंजर्ड है। अगर दोस्तों आज PT खेले तो ये मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे,
जो कि ड्रीम इलेवन में एफ मदीना लूना नाम से आपको मिलेंगे अगर खेलते तो, ये स्टार प्लेयर है इनके। अब दोस्तों यहाँ पे प्रिडिक्शन मेरी रहेगी 1-1 ड्रॉ, मैं सेफ जाऊँगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोई विनर कोई भी टीम हो सकती है, कुछ डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। दोनों ही बराबर की अच्छी टीम और दोनों ही बेहतरीन फॉर्म में चल रही है, तो मेरी प्रिडिक्शन 1-1 सेफ रहेगी। तो दोस्तों अब मेरी अभी फिलहाल इस मैच की 5 से 6 ग्रैंड लीग की टीम और 2 फाइनल स्मॉल लीग की टीम आपको हमारे टेलीग्राम में मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप जुड़ सकते हैं वहाँ। अभी फिलहाल मैंने जो डेमो टीम बनाई है वो एक बार आपको दिख, तो दोस्तों जो मैंने अभी एसएल की डेमो टीम बनाई है वो मेरी प्रिडिक्शन 1-1 ड्रॉ वाली है, और यहाँ पे मैंने 5 नॉर्थ ईस्ट के प्लेयर लिए, 6 जमशेदपुर के लिए, तो मैं एक बार आपको ये टीम दिखाता हूँ। गोलकीपर मैंने यहाँ से दोस्तों लिए हैं जमशेदपुर एफसी के, और उनके 2 डिफेंडर्स गुरंग और टीरी लिए हैं, करमास के और रीगन सिंह मैंने यहाँ से नॉर्थ ईस्ट के डिफेंडर्स लिए, और 3 अटैकर यहाँ से मैंने जमशेदपुर में आइटर मुनरोय लिए, नोए कोस्टल लिए और सरजी कास्टल लिए, यहाँ से मैंने ट्रेडिस लिए, एसएमओ जियान लिए और रिडीम टिलांग लिए। अब दोस्तों यहाँ मैंने एक बार मैं आपको कुछ चेंजेस इसमें बता देता हूँ। अगर आप 1-1 ड्रॉ सेफ जा रहे थे तो दोस्तों दोनों के इक्वल डिफेंडर्स रखिए, जैसे मैंने 2 यहाँ करमोस्के और रीगन सिंह नॉर्थ ईस्ट से रखे हैं, तो गुरंग और टीरी यहाँ मैंने जमशेदपुर से रखे हैं। अब यहाँ मैंने सुब्रत और पॉल लिए हैं, दोस्तों यहाँ पे आप सुबाशीष रॉय ले सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के, लेकिन मुझे लग रहा है एसएमओ जियान यहाँ ज्यादा शॉट्स ऑन टारगेट देंगे, तो सुब्रत और पॉल अच्छे सेव कर सकते हैं। फिलहाल आप चाहें तो आप सुबाशीष रॉय के साथ जा सकते। अब दोस्तों बाकी यहाँ मिडफील्ड सेक्शन में ट्रेडिस लिए हैं, बहुत बढ़िया लॉन्ग रेंज से लास्ट मैच में गोल मारता है, 1 असिस्ट भी है इनके नाम, तो ये एक अच्छी चॉइस है। अगर आप मेमो मोरा लेते हैं तो ये पासेस बहुत ज़्यादा बनेंगे, हालांकि गोल्स असिस्ट में उतना कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है, तो जमशेदपुर से अगर आपको पास बनाने वाला प्लेयर चाहिए तो 3 से 4 पॉइंट ये पास में दे सकते हैं, तो आप मेमो मोरा के साथ जा सकते हैं। बाकी मैंने नीचे से नोए कोस्टा लिए हैं। अब दोस्तों इनकी मैं बात कर रहा था पीटी की, जो एफ मदीना लूना नाम से 70% सिलेक्शन है, लेकिन इनके इंजरी के रिपोर्ट्स है, लास्ट मैच भी नहीं खेले, अगर ये खेले तो 100% आपको ले लेना है, नहीं तो दोस्तों ये नहीं खेलने, इसलिए मैंने एन कोस्टा लिए हैं। बाकी मैंने यहाँ से नीचे से एटर मुनरोय लिए जमशेदपुर एफसी से, 8 क्रेडिट में मुझे मिल रहे हैं और दोस्तों पासेस बनेंगे, मैं यहाँ पे इनके प्लेस में मेमो मोरा के साथ जा सकता हूँ, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो मैं फिलहाल एटर मुनरोय के साथ जा रहा हूँ। बाकी दोस्तों फॉरवर्ड लाइन से एसएमओ जियान और सर्जियो कास्टल 100% दोनों प्लेयर आपकी टीम में होने चाहिए कन्फर्मली। अब यहाँ पे अगले तीन में से दोस्तों एक चॉइस है आपके पास, रिडीम टिलांग का ऑप्शन है, फारूक चौधरी का ऑप्शन है और मार्टिन शाविस का ऑप्शन है, तो मैं रिडीम टिलांग को प्रीफर कर रहा हूँ, ज़्यादा लोगों ने फारूक चौधरी को प्रीफर किया, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मुझे रिडीम टिलांग ज़्यादा पसंद है, तो दोस्तों मैं इनको प्रीफर कर रहा हूँ। आप चाहे इक्वली फारूक चौधरी ले सकते हैं या मार्टिन शाविस के साथ भी जा सकते हैं, तो फिलहाल मैंने दोस्तों यहाँ पे ले लिया क्योंकि ये दोनों आपको ड्रॉप नहीं करने, तो 5 यहाँ पे स्ट्राइकर सेक्शन में 5 प्लेयर लिस्टेड है, तो बाकी 3 में से कोई एक लेना है, तो मैंने रिडीम टिलांग ले लिए। तो दोस्तों फिलहाल यहाँ पे अगर बरेरो खेलते हुए दिखते तो ये भी एक अच्छी चॉइस हो सकती है ग्रैंड लीग के लिए। तो दोस्तों ये था, बाकी मैंने यहाँ कैप्टन किए सर्जियो कास्टल, वाइस कैप्टन मैंने एसएमओ जियान किया। अब इन दोनों को ही आपको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है स्मॉल लीग में, तो आप चाहे तो एसएमओ जियान को कैप्टन करके इनको वाइस कैप्टन कर सकते हैं, या यही चीज रहने दे सकते हैं, दोनों ही अपनी टीम के स्टार स्ट्राइकर और दोनों ही अपनी टीम के पेनल्टी टेकर और सबसे ज्यादा गोल भी इन्हीं प्लेयर्स के अपनी अपनी टीम से। तो दोस्तों बाकी अगर आपको थोड़ा सा दूसरे बंदों से अलग करना है तो आप यहाँ पे एसएमओ जियान को कैप्टन करके रिडीम टिलांग को वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है ज्यादा गोल यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट स्कोर कर सकती है। तो दोस्तों ये था फिलहाल। अब बाकी दोस्तों इस मैच की 5 से 6 ग्रैंड लीग की टीम और 2 फाइनल स्मॉल लीग की टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर जुड़ जाइए टेलीग्राम के साथ। इसके बाद दोस्तों जो रात के मैचेस है उसको भी कवर करेंगे टेलीग्राम में ही, तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।